ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हम केलनर कैलाश की यात्रा पे निकले हैं अपने ग्रुप के साथ। पूरा हमारा ग्रुप है। आज 24/8/2024 ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज बड़े खुशनसीब हैं हम कि इतना अच्छी यात्रा के लिए हम यहाँ आए हैं, केलनर कैलाश की यात्रा के लिए। केलनर कैलाश की यात्रा के लिए हम 12 लोगों का ग्रुप है, जो कि हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट की है। चंडीगढ़ से स्टार्ट करके शिमला होते हुए हम लोग तांगलिंग एक जगह पड़ती है, वहां रुके हैं। वहां से अब यात्रा स्टार्ट हुई है और हम बढ़ रहे हैं अभी गणेश टाप की तरफ, जो कि गणेश टाप 10 किलोमीटर करीब पड़ता है। वहां जाकर के आज हाल्ट करेंगे, करीब शाम को 4-5 बजे 6 बजे करीब पहुंचेंगे। उसके बाद रात को पुनः आधी रात को करीब 1 बजे यात्रा स्टार्ट करेंगे कल के लिए आगे कन्नौर कैलाश की, जो कि 10 किलोमीटर के करीब यात्रा होती है। वो सेम डे जाना और सेम डे वापस आना पड़ता है 10 किलोमीटर, जो कि बहुत ही कठिन है। और इसीलिए रात को निकलते हैं, करीब 1-1.5 बजे रात को निकलेंगे। सवेरे करीब 8-9-10 बजे करीब पहुंचेंगे, वहां दर्शन सन करके फिर वापस शाम तक लौटेंगे कि शाम 7-8 बज जाएगा। ये यात्रा है और हमारे साथ हमारे सभी साथी जो है आए हुए हैं, 12 यात्री हम लोग हैं। मैं बनारस से, काशी से मनोज लखमानी, मेरे साथ सुनील हैं, मेरे साथ ये सुनील फैजाबाद से हैं और ये लखनऊ से हैं। चमन भैया हमारे साथ जो है अयोध्या से हैं, चमन जी हैं, ये अयोध्या से हैं जी। और आप यहाँ का देखिए दृश्य, देखिए कैसी ये यात्रा और कैसा वो है, कैसा एक माहौल है। इस माहौल में आप देख रहे हैं नीचे के रास्ते, आप देखिए किस तरीके से कैसे कैसे लोग चल रहे हैं, कितनी कठिनाइयों से चल रहे हैं। ये रास्ते देखिए ऐसे ऐसे पूरे रास्ते पर ऐसे ही हैं, और आगे जाके इससे भी ज्यादा ये रास्ते जो है कठिन हो जाएंगे। जब हम इसके बाद आगे गणेश चौक के आगे निकलेंगे तो और भी कठिन यात्रा होती है, लेकिन बाबा जो है हिम्मत देंगे, वही दर्शन करवाएंगे। बुलाए हैं तो दर्शन भी देंगे, हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। हम सारे लोग जो है इसी उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं किन्नर कैलाश के दर्शन करने के लिए, और बहुत ही सुंदर है। और आपको एक चीज और बता दूं कि ये किन्नर कैलाश जो है 80 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जो एक पहाड़ पे है। ये शिवलिंग बहुत रेयर यहाँ लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। साल में 15 दिन की यात्रा इसकी स्टार्ट होती है, करीब 4,000 से 5,000 लोग खाली दर्शन कर पाते हैं, इससे ज्यादा लोग कर नहीं पाते हैं। और ये यात्रा जिसको मौका मिले उसको जरूर करनी चाहिए, थोड़ी कठिन है लेकिन बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत है। हर हर महादेव। अर्जुन जी ने पास पात्र के लिए ही तपस्या की थी, और अर्जुन जी ने जो महादेव जी से युद्ध हुआ रहा पात पास के लिए, तो इस यहीं पे उनकी तपस्या हुई थी, और उसी वजह से इस एरिया को जो है किन्नौर के नाम से जाना जाता है। और ये इसकी यात्रा एक बार आप जरूर कीजिए। हर हर महादेव। कैसे लोग नीचे उतरते हैं देखो, वादियां देखिए महादेव। महादेव हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। सूर्यदेव प्रसन्न हुए हैं, अभी सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं। तुम सूर्यदेवाय नमः। हम लोग अपने पहले पड़ाव पे पहुंचे हैं, गणेश पार्क। यहाँ पूरे टेंट लगे हुए हैं, लोग यहीं टेंट में रुकेंगे रात भर। रात को 1 बजे जो है यहाँ से फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे कन्नौर कैलाश के लिए, जो कि सुबह करीब 8-9 बजे पहुंचेंगे। फिर दर्शन करके 1-1.5 घंटे में वापस तुरंत सेम डे वापस आना है। और ये जो है आप देख रहे हैं सारे लोग जो है अब इसी टेंट में हम लोग यहाँ विश्राम करेंगे, आराम करेंगे, और रात को करीब 1 बजे निकलेंगे। ये पूरा टेंट लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, बड़ा प्यारा नजारा है। चारों तरफ वादियां, ये चारों तरफ टेंट है। हमारे साथी, हमारी टीम, करीब करीब सब हम पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये रात के करीब 7:30 बज रहा है, और ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत वादियां हैं नीचे, जहां हमें जाना है। ये वहां का दृश्य, नीचे की लाइटिंग और ऊपर ये प्राकृतिक लाइट, देखिए कितना अद्भुत, कितना सुंदर नजारा है।
यहाँ सारी चीजें सारी व्यवस्थाएं टेंट में ही है, यहाँ कुछ भी और है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ टेंट में ही रहना खाना सब रहता है और टेंट में ही सोना पड़ता है। ऐसे टेंट है इस तरफ आप देख रहे हैं, किन्नर कैलाश महादेव जी इनके दर्शन यहीं से हुए हैं। आगे कुछ दिक्कतें आई हैं, आखिरी तारीख है, पाए हैं आप सामने देख रहे हैं, ये किन्नर कैलाश महादेव हैं। बहुत अद्भुत बहुत सुंदर नजारे हैं, दिव्य नजारे। तो अब हम लोग तांगलिक की तरफ बढ़ रहे हैं, करीब करीब इस समय 12:30 बज रहा है, सुबह हम लोग 6 बजे करीब चले हैं और मुझे लगता है कि 5-10 मिनट के अंदर हम लोग उम्मीद करते हैं कि पहुंच जाएंगे। ये जरूर है कि यात्रा कठिन है लेकिन बहुत सुंदर बहुत अच्छी है, आनंदमय है इस यात्रा को, की कृपा है, इस यात्रा को हम लोग भूल नहीं पाएंगे, ना ना कभी जीवन में नहीं। आस्मरणीय अकल्पनीय अद्वितीय है, ये आप देखिए बाबा कराए ओम नमः शिवाय, देखिए बाबा कराए ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव। बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत सुंदर, लोग बहुत नीचे पहुंचने जा रहे हैं, करीब करीब पहुंच ही चुके हैं, थोड़ा सा और समय लगेगा, 5-10 मिनट का लग रहा है और लगेगा 10-15 मिनट का। बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत बढ़िया रहा, बहुत सुंदर दर्शन के बाबा के दर्शन हुए, हर हर महादेव। किन्नर कैलाश की यात्रा संपन्न हुई, वो सामने उस पहाड़ी पे हम लोग गए थे, वहाँ जाकर के बाबा के दर्शन किए और ये जो दृश्य है ये इसको तांगलिंग बोलते हैं। यहाँ सारे जो है पीजी गेस्ट हाउस वगैरह है, यहीं सारी जो है रिजर्वेशन होती है, यहीं आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है वो सब ये स्थान है रजिस्ट्रेशन का, और इसके अलावा यहीं लोग आते हैं, यहीं रुकते हैं। और यहाँ पे सारे आप देख रहे हो जी जितने भी वो हैं, ये सारे पीजी हैं, गेस्ट हाउस हैं, इस गेस्ट हाउस में जो है सारे लोग रुकते हैं। इसके बाद यहीं से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है, पैदल यात्रा स्टार्ट होकर के और यहाँ से पहले करीब 9 किलोमीटर ऊपर जाते हैं गणेश स्टॉप पे, उसके बाद फिर ऊपर और जाते हैं करीब 8-9 किलोमीटर और ऊपर किन्नर कैलाश की यात्रा के लिए। पहले दिन का जो पड़ाव रहता है वो जाकर के गणेश स्टॉप पे स्टॉपेज होता है, उसको हम लोगों ने संपन्न करके वहाँ से दर्शन करके उस यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से किया, और हमारे सारे साथी सब ने बहुत अच्छे दिए दर्शन किए, बाबा ने बहुत अच्छा दर्शन दिया। ये यात्रा वाकई हम भूल नहीं सकते अपने जीवन में, बहुत बहुत ही अद्भुत बहुत सुंदर बहुत बहुत प्यारी यात्रा थी, बहुत अच्छी थी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सामने से ट्रक आ रही है, ये पूरी गुफा है, ऊपर से नीचे तक देखिए पूरा एक पहाड़ एक जुड़ा हुआ है, बीच से रास्ता है, ये भारत में अकेली ऐसी जगह है जहाँ ये रास्ता है, बीच से रास्ता निकलता है पहाड़ों के बीच से कट करके, और ये ऊपर पहाड़ है, ये लुक है, बहुत ही शानदार अद्भुत जगह है, ये जगह देखने लायक है। अब देखो आप ऊपर से टनल पूरा मिला हुआ है, ये देखने लायक है।